आप सबका दिल से स्वागत। आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। आपने नाम सुना होगा ना डाई हार्ट फैन, बट डाई हार्ट फैन है या एक्टिंग कर रहा है, जो भी हो, एक फैन ने माहिरा खान के साथ जो किया उसके पर पब्लिक ने रिएक्ट किया है। आज के वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। और एक मूवी आ रही है तेलुगु मूवी, उसके अंदर आयशा खान ने एक सॉन्ग में परफॉर्मेंस दिया है। अब उस परफॉर्मेंस को देखकर पब्लिक ने आयशा खान को बहुत ट्रोल किया है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा जो मेरे वीडियो का मेन पार्ट रहता है एंड में स्टोरी, दो लड़की है, दो फ्रेंड है, पार्टी कर रही है। अब उन्हें पता नहीं है पार्टी करते वक्त, एंजॉय करते वक्त उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनके सर पे क्या पहाड़ टूटेगा, वो दो लड़की पर जो मुसीबत आने वाली है क्या वो लड़की उस मुसीबत से निकल पाएगी। बहुत अलग अलग चीज़ें होती है जब वो दोनों पार्टी करती है। क्लाइमैक्स है उसमें जिसने मुसीबत डाला है उसके ऊपर, ये दो फ्रेंड उसकी मुसीबत से निकल पाएंगे, उसके पर भारी पड़ेंगे, या सामने वाला ये दोनों को मार देगा। हर जगह पर ट्विस्ट और टर्न है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड में है, वो आप मिस मत करना। उसके अलावा आज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में है अरबाज खान, तमन्ना विजय, अजय देवगन, शाहिद कपूर, मीरा। आज का वीडियो चालू करते हैं, उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, जो भी इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके, बुरे काम ना हो सके। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऊपर वाला ना करे, अगर तकलीफ़ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उस पर विश्वास रखना, थोड़ा सब्र पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी। आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हम वीडियो चालू करते हैं। एक फ़ैन माहिरा खान से मिलता है, उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो कहता है आई एम योर शब्बू, यू आर माई माहिरा, और माहिरा खान का हाथ पकड़ लेता है, बहुत अलग चीज़ें करता है। पहले देखिए आप छोटा वीडियो। अब इस पर हम देखते हैं पब्लिक ने क्या कहा। पागल हो गया है ये बंदा, छोड़ दो बिचारी का हाथ, 600 हम्बल। भाई कभी अपनी अम्मी का हाथ ऐसे पकड़ा है? नॉनसेंस, चीप ओवर एक्टर। रिस्पेक्ट हिज इमोशन इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। बीप साला, भाई पानी पी लो, बीप। आई डोंट नो वाई पीपल डोंट थिंक वंस डैट शी इज़ अ वूमन। इफ यू आर अ टॉप फैन और फैन नंबर वन, डज नॉट मैटर, शी डज नॉट लाइक द टच और वैन यू होल्ड योर हैंड दिस टाइट। यू आर नॉट एन इनोसेंट चाइल्ड और वूमन, शी कुड टॉलरेट और अंडरस्टैंड। भाई वाई आर पीपल मॉकिंग हिम, डैट्स हाउ डाई हार्ट फैंस आर लाइक, ओवर एक्टिंग। स्टूपिड स्टंट नो वन केयर्स, क्या अजीब ठरकपन है, हाथ छोड़ भाई। ग्लैड माई पेरेंट्स बीट मी वैन आई वॉज चाइल्ड, डू नॉट टर्न इन टू सेलेब वर्शिपर। माहिरा भी लाइक, पानी में थोड़ा सा जहर भी डाल दूँ। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, पागल है क्या भाई, बेचारी को डरा दिया, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट। आयशा खान ने एक तेलुगु मूवी में, जैसे मैंने कहा, सॉन्ग परफॉर्म किया, पहला वो देखिए। इस पर हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। आर्टिस्ट नो, बार डांसर राइट, शी डिजर्व दिस टाइप ऑफ सॉन्ग, चीप। लानत बटन ऑफ आयशा खान, चीप बटन, पैसों के लिए कितना नीचे गिरना पड़ता है। शेम ऑन यू आयशा, हो गई ना फेमस, मिल गया ना फेम आपको। आयशा अनफॉलो बटन, अच्छा हुआ मुनावर ने छोड़ दिया इस छपरी को, इसको अनफॉलो करो सब, बेशरम औरत, वेरी शेमलेस टू यू, छी। ये कमेंट बड़ा है बट अलग है, आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बंदा लिखता है हेट क्यों मिल रहा है इसे, उसका जवाब आता है तुझे क्या करना है पर, सामने बंदा रिप्लाई करता है पसंद है मेरे को, उसका रिप्लाई आता है कौन रे, कौन तुझे पसंद है, वो बंदा रिप्लाई देता है आयशा खान, और उसका जवाब सामने वाला देता है अरे बाप रे, OMG, शी इज़ जस्ट 21 ईयर, शी डिजर्व्स लॉट ऑफ लीड प्रोजेक्ट्स टू। हेड बटन, बिग बॉस 17 ब्लैकमेलर कैटेगरी विनर आयशा खान, वल्गैरिटी ओवरलोडेड। ये लास्ट कमेंट लेते हैं,
बिग बॉस में तो सूट पहन के फिरती थी, यहाँ आइटम सॉन्ग कर रही है, यही है इसकी असलियत। डिसरिस्पेक्ट बटन ऑफ आयशा खान। डांस करते करते बेहोश हो गई थी क्या आप? आज के बॉलीवुड सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं अरबाज खान और शौरा एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहां पर फैन लोग ने उन्हें घेर लिया सेल्फी के लिए, छोटा वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आपने देख लिया, अब और एक प्यारा वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। विजय और तमन्ना। अजय देवगन का बर्थडे था, फैंस आए अजय देवगन से मिलने के लिए। वीडियो चालू है तो मैं छोटा सा एडवांटेज ले लेता हूँ, बाकी के वीडियोस बाकी है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बाकी है, लेकिन उसके पहले आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया, जो आज की वीडियो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। शाहिद कपूर। नाइन्टीज की एक्ट्रेस उर्मिला। मुनावर। दो फ्रेंड पार्टी कर रही थी, एक का नाम था सोफी और दूसरी का नाम था कैट। अब दोनों अल्कोहल पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। उसी वक्त डोर पर कोई नॉक करता है। अब सोफी बोलती है पिज़्ज़ा वाला आया है, मैं जा रही हूँ लेने के लिए। सोफी जाती है डोर खोलने के लिए। सोफी दरवाज़ा जैसे खोलती है, बाहर एक अजीब सी लेडी खड़ी होती है। सोफी उसके हाथ से पिज़्ज़ा लेने जाती है, बट वो लेडी पिज़्ज़ा देती नहीं है, और पिज़्ज़ा के ऊपर पेपर से बनी हुई एक गेम रखी होती है। सोफी पिज़्ज़ा ले रही है, लेडी पिज़्ज़ा लेने नहीं दे रही है। उसके बाद लेडी पिज़्ज़ा का बॉक्स खोलती है, अंदर लिखा हुआ रहता है प्ले, मतलब तू मेरे साथ एक गेम खेल तो मैं तुझे पिज़्ज़ा दे दूँगी। सोफ़ी कहती है नहीं खेलनी है। उसके बाद सोफ़ी पिज़्ज़ा खींचती है, लेडी पिज़्ज़ा खींचती है, बट सोफ़ी पिज़्ज़ा ले लेती है, और सोफ़ी ऐसे सिगरेट पीती है, उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखती है, और लेडी रहती है वो रोने लग जाती है, क्योंकि लेडी को खेलनी थी सोफ़ी के साथ गेम। अब सोफ़ी दरवाज़ा बंद कर देती है, सोफ़ी अंदर आती है, उसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। अब ये लोग टॉर्च चालू करते हैं, जो पिज़्ज़ा के ऊपर पेपर की गेम रखी थी वो दिखती है, और जब ये लोग टॉर्च ऐसे करते हैं तो जो लेडी बाहर खड़ी होती है वो अंदर दिखती है, और ये लोग डर जाते हैं। उसी वक्त लेडी ऐसे करती है और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मतलब वो लेडी ने ही कुछ किया था, उससे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अब लेडी ये दोनों को बोलती है यहाँ आओ मेरे पास गेम खेलने के लिए। सोफ़ी को पता है ये लेडी बाहर खड़ी थी, ये लेडी अचानक अंदर कैसे आ गई। सोफ़ी डर जाती है, सोफ़ी उसकी फ्रेंड को बोलती है पुलिस को बुला, जल्दी पुलिस को बुला। सोफ़ी की फ्रेंड बोलती है अरे कुछ नहीं है, और लेडी के लुक को देखकर हंसने लग जाती है और लेडी के पास चले जाती है। ये लेडी सोफ़ी को बुलाती है, सोफ़ी डरते डरते इसके पास जाती है। उसके बाद सोफ़ी उसकी फ्रेंड को बोलती है ये लेडी ठीक नहीं है, पुलिस को बुला। उसकी फ्रेंड हंसते रहती है, दारू चढ़ गई है। सोफ़ी को कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अब लेडी रहती है वो जो पेपर की गेम रहती है उसे स्टार्ट करती है, और सोफ़ी को कहती है एक नंबर चूज़ कर। सोफ़ी कहती है फोर। लेडी वो गेम को अप करती है, साइड करती है और ओपन करके दिखाती है, पर ये लोग को समझ में नहीं आता है। अब लेडी के नीचे एक बॉक्स है, लेडी वो बॉक्स खोलती है, अंदर सिगरेट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो ये पेपर की गेम की थी उसके अंदर रिवॉर्ड आया सिगरेट, प्राइज आया सिगरेट। सोफ़ी और कैट समझ जाते हैं कि ये तो यार एक मैजिशियन है। उसके बाद सोफ़ी भी उसे सपोर्ट करती है, सिगरेट सोफ़ी पीती है, लेडी लाइटर से जला के देती है। उसके बाद सोफ़ी की फ्रेंड कैट बोलती है मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। लेडी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब लेडी उसे बोलती है नंबर चूज़ कर, कैट चूज़ करती है नंबर थ्री। नंबर थ्री के अंदर भी जो आता है सोफ़ी और कैट को समझ में नहीं आता है। लेडी बोलती है रुक मैं बॉक्स खोल के दिखाती हूँ। बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक कैप रहती है और एक रेज़र रहता है। कैट बोलती है ये रेज़र क्या करना है, और कैप को पहन लेती है। वो जो लेडी रहती है कैट की आईज़ में देखती है और उसके ऊपर कुछ मैजिक कर डालती है।
और कैट रहती है वो एक अलग ही जोन में चले जाती है। और सोफ़ी बोलती है अब मैं खेलूँगी। लेडी कहती है चूज़ कर नंबर। सोफ़ी नंबर 6 चूज़ करती है। सेम 6 नंबर के अंदर जो लिखा है वो सोफ़ी को समझ में नहीं आता और लेडी रोने लग जाती है। सोफ़ी कन्फ्यूज़ है कि क्या आया है ऐसा। लेडी बॉक्स खोलती है तो अंदर एक पिक रहती है, फ़ोटो रहती है। सोफ़ी वो फ़ोटो को देखती है। सोफ़ी का गला उसकी फ्रेंड ने काट दिया है वैसा फ़ोटो रहता है। सोफ़ी जब ऊपर देखती है तो वो लेडी भी नहीं है और उसकी फ्रेंड भी नहीं है। सोफ़ी अब डर गई पूरी तरीके से। थोड़ी देर के बाद पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और सोफ़ी का गला काट देती है। और उसके बाद वो लेडी आती है कैमरा लेकर। सोफ़ी की फ्रेंड कैट ने सोफ़ी की नेक पर रेजर रखा है, यहाँ पर ब्लड है पूरा। जो फ़ोटो सोफ़ी ने देखी थी वैसी फ़ोटो वो क्लिक करती है। कहानी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो लेडी थी घोस्ट मैजिशियन, वो आई थी दोनों को मारने के लिए, बट क्योंकि सोफ़ी ने उसके साथ गेम नहीं खेली इसके लिए उसने सबसे पहले चुना सोफ़ी को। सोफ़ी को मरवाया उसके फ्रेंड से। सिर्फ एंटरटेनमेंट स्टोरी थी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।